हेलो गाइस, हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि मार्च के महीने में, यानी कि इस महीने में आपको क्या गुड न्यूज़ मिल सकती है, आपकी कौन सी मैनिफेस्टेशन जो है वो पूरी हो सकती है, और क्या आपकी लाइफ में इस मंथ जो है वो अच्छा हो सकता है, चाहे करियर हो, चाहे लव हो, चाहे एनीथिंग। हम चेक करेंगे आपका मार्च का महीने के बारे में, एंड देन हम आपके लिए गॉड गाइडेंस भी लेंगे कि गॉड एंजल्स जो हैं वो आपको क्या एडवाइस करना चाहते हैं इस मंथ के लिए। चलिए सबसे पहले हम चेक करते हैं कि आपको मार्च के महीने में क्या गुड न्यूज़, कौन सी मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी हो सकती है, क्या आपकी लाइफ में अच्छा हो सकता है इस मंथ में। तो पहला कार्ड आया है एम्प्रेस। वाओ वाओ वाओ, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है गाइस, एम्प्रेस का कार्ड। आपकी फेमिनिन साइड जो है ना, डिवाइन फेमिनिन्स, फेमिनिन साइड, वो हील हो रही है इस वक्त, या आप उसकी हीलिंग कर रहे हो। आप काफ़ी हद तक अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख गए हो, अब आप ओवर इमोशनल नहीं रहे। और अगर आपका पार्टनर आपकी केयर नहीं करता था, अगर आपका पार्टनर हील्ड नहीं था, तो डेफिनेटली वो भी अपनी हीलिंग कर रहा है, और उसकी भी फेमिनिन साइड जो है ना वो हील हो रही है। और जो लोग मैरिड हैं, आई कैन सेंस कि आप में से काफ़ी लोग इस मंथ प्रेग्नेंट हो सकते हो, कि गुड न्यूज़ मिल सकती है। चलिए और देखते हैं और क्या गुड न्यूज़ है इस मंथ के लिए। वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव हेरोफेंट। सो गाइज, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके लिए। कोई चीज़ ना, आई थिंक आप या आपके पार्टनर ना किसी चीज़ के लिए आगे बढ़ने के बारे में बहुत सोच रहे हो, मतलब आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन ओवर थिंकिंग ज़्यादा कर रहे हो, राइट? मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे कोई ऐसा पार्टनर है जो कि बहुत ज़्यादा स्टक है, या फिर आपका रिलेशनशिप जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्टक है अभी इस पॉइंट पे, बहुत स्टक है। यानी कि आपका पार्टनर आगे आना चाहता है आपके लिए, एक्शन लेना चाहता है आपके लिए, बट एक्शन ले नहीं पा रहा है। मजबूरियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं, या फिर जनरली आपकी ओवरऑल लाइफ जो है ना इस वक्त स्टक हो रखी है, आगे बढ़ नहीं रही है। चाहे मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स हो, चाहे लव लाइफ में हो, चाहे करियर लाइफ में हो, चीज़ें जो हैं वहीं की वहीं अटकी हुई हैं, आगे आपकी लाइफ बढ़ नहीं रही है विद दिस हैंगमैन एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आपका पार्टनर रेडी है आपके लिए लव ऑफर लेने के लिए, बस आगे नहीं आ रहा है। एक अपॉर्चुनिटी रेडी है आपके लिए करियर लाइफ में, बस आप तक पहुंच नहीं पा रही है। तो इस मंथ आपके लिए एडवाइस ये है कि आपको ना मेडिटेशन करना है, आपको डिवाइन से और ज़्यादा अपना कनेक्शन इस मंथ बढ़ाना है, और आपको और ज़्यादा मैनिफेस्टेशन जो है ना वो करनी है, दिल से करनी है। स्पेशली आपको थोड़ा सा अपने आप को हीलिंग करनी है, बिकॉज हेरोफेंट कार्ड है ना, अपने आप पे ध्यान दो, अपने माइंड बॉडी सोल पे आप ध्यान दो। आपके लिए इस मंथ की गाइडेंस ये है। हेरोफेंट कार्ड ऑल्सो इंडिकेट्स मैरिज, तो रिलेशनशिप्स जो है ना वो इम्प्रूव होंगे, स्लोली एंड स्टेडीली इम्प्रूव होंगे। ये पर्सन आएगा आपके पास, लेकिन थोड़ा सा अपना टाइम लेके आएगा, आएगा ज़रूर, बिकॉज एम्प्रेस कार्ड आया है यहाँ पे। तो कुछ बड़ी न्यूज़, अच्छी खबर जो है वो आते हुए दिख रही है। अभी तक तो ये पर्सन बिल्कुल हैंग था, आगे बढ़े ही रहा था, अब ये पर्सन अपना एक स्टेप एटलीस्ट आगे ले रहा है आपके लिए, राइट? तो कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है स्लोली एंड स्टेडीली, चाहे आपकी आपका लक हो, अभी तक आपका लक जो है ना वो स्टक था, आपका लक, आपकी करियर लाइफ, आपकी लव लाइफ, एवरीथिंग वॉज स्टक। बट अब जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, इतना प्रेयर कर रहे हो, तो वो आपकी मैनिफेस्टेशन स्लोली एंड स्टेडीली इस मंथ जो है ना वो डिवाइन पूरी करेंगे। जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है, करियर लाइफ, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे आते हुए दिख रही है आपकी लाइफ में, ओवरऑल ग्रोथ दिख रही है इस मंथ में आपके लिए, कुछ बड़ा कर रहे हो आप, एक ग्रोथ हो रही है आपके अंदर, या फिर आप अपने आप में इतने इस मंथ बहुत खुश होने वाले हो, अपने आप का सेल्फ डेवलपमेंट जो है ना वो आप करने वाले हो, आप अपने आप की हीलिंग करने वाले हो, और उस वजह से जो है लोग काफ़ी अट्रैक्ट होने वाले हैं इस मंथ आपकी तरफ। आपका पार्टनर डेफिनेटली इस मंथ मुझे आता हुआ दिख रहा है आपके पास, लेकिन एज यूजुअल बहुत स्लो है, थोड़ा टाइम लेगा लेकिन आएगा। कॉल मैसेज आता हुआ दिख रहा है इस पार्टनर का। जितना अपने आप को हील करते रहोगे ना, उतना ही आपकी लाइफ में चीज़ें जो है वो जल्दी जल्दी मैनिफेस्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी। चलिए और कार्ड्स निकालते हैं कि और क्या आ रहा है इस मंथ आपके लिए, मार्च का महीना।
यहाँ पे कार्ड है गाइस डिवाइन मैस्कुलिन। जो लोग लव के लिए देख रहे हैं गाइस, उनका पार्टनर आएगा, लेकिन जब वो थोड़ा सा और उसमें करेज आ जाएगा कि हाँ अब मैं डिवाइन मैस्कुलिन बन के जाऊँगा अपने पार्टनर के पास, राइट। डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन, इट कार्ड्स ऑफ यूनियन। इस मंथ ना यूनियन होता हुआ दिख रहा है मुझे, दोनों पास आ रहे हो, दोनों फिर से बात कर रहे हो, दोनों फिर से नई शुरुआत कर रहे हो, लेकिन थोड़ा सा चीज़ें जो हैं वो स्लो हैं। जितना जल्दी आप मैनिफेस्ट करोगे, अपनी हीलिंग करोगे, उतनी ही जल्दी यूनियन जो है ना वो पॉसिबल हो जाएगा। चलिए और देखते हैं। और इस मंथ काफ़ी लोग ना अपनी एनर्जीज को ही बैलेंस कर रहे हैं, मतलब अपनी दोनों साइड मैस्कुलिन फेमिनिन साइड उसको बैलेंस कर रहे हैं। दैट्स वाई वो अपने आप में जो है काफ़ी पॉजिटिव फील करेंगे इस मंथ। ऐसा भी हो सकता है वी हैव रेनबो रिवाइवल। कोई बड़ी हैप्पी न्यूज़ आ रही है करियर लाइफ में हो सकता है आपका, या आपकी हेल्थ जो है ना इस मंथ काफ़ी इंप्रूव होती हुई दिख रही है मुझे। काफ़ी आप पॉजिटिव फील करोगे अपने आप में, काफ़ी फ्री फील करोगे, या कुछ ऐसा आपकी लाइफ में हो रहा है जिससे कि आप इतने खुश हो रहे हो, यू नो आप डांस कर रहे हो, आपकी लाइफ में रेनबो ब्लेसिंग्स आ रही है। एनीथिंग, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी, कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी जिसका आपको बहुत टाइम से वेट था। और देखते हैं और क्या हो रहा है आपके साथ मार्च के महीने में। वी हैव द गार्डन। वाह, दिस इज ऑल्सो कार्ड ऑफ डिवाइन फेमिनिन। तो यहाँ ना मुझे वाइब आ रही है यूनियन की, कि भले एक फ़ोन कॉल आए, भले एक मैसेज आए, भले वो खुद मिलने आए, बट एक वाइब आ रही है यूनियन की कि ये पर्सन ना अप्रॉक्सीमेटली रेडी है आपके पास आने के लिए, आपके लिए एक्शन लेने के लिए, या कोई चीज़ है वो बस तैयार है आप तक पहुँचने के लिए। ऐसी फीलिंग आ रही है यहाँ पर कि दोनों ही काफ़ी वर्क कर रहे हो, अपने 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 आप को हील कर रहे हो, अपने सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हो, और उस वजह से चीज़ें जो है ना वो आगे बढ़ेगी। आई थिंक आपने भी अपने पार्टनर को चेज करना बंद कर दिया है, डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन। दोनों कार्ड आए हैं हमारे पास, डिस्टॉर्टेड और डिवाइन मैस्कुलिन। ये पार्टनर अभी इस एनर्जी में है, और मैंने कहा था कि ये पार्टनर स्लो भी है तो मैंने कहा निकल ही आ जाएगा, लेकिन उसको निकलना पड़ेगा इस एनर्जी से, और इस एनर्जी में आना पड़ेगा इसको, बिकॉज आपने अपनी हीलिंग पूरी कर ली है, आप बन चुके हो डिवाइन फेमिनिन। आप चाहे लड़के हो लड़की हो, राइट, ये एनर्जी है, तो आप बन चुके हो डिवाइन फेमिनिन, और ये पार्टनर अभी भी जगल कर रहा है इन दिस डिस्टॉर्टेड और डिवाइन के बीच में है कहीं ये पार्टनर। तो जब तक ये पार्टनर यहाँ से यहाँ शिफ्ट ना हो जाए ना, तब तक आप दोनों का यूनियन नहीं होगा। तो इस पार्टनर को अपनी हीलिंग करनी पड़ेगी, एंड इस पार्टनर को हीलिंग करवाने के लिए आपको अपना सारा ध्यान इस पार्टनर से हटा के अपने आप पे लगाना पड़ेगा, ताकि आप इंट्यूटिवली एक वाइब्रेशन वाइज जो अपनी एनर्जी है वो इस पार्टनर तक भेज सको, और इस पार्टनर की हीलिंग जो है वो कंप्लीट हो पाए। बिकॉज यहाँ दोनों कार्ड आए हैं डिवाइन फेमिनिन के, आपने अपनी हीलिंग कर ली है, आप बहुत खुश हो, आप इंडिपेंडेंट हो, आप हैप्पी हो, आप अपने आप पे ध्यान दे रहे हो, अपने काम पे ध्यान दे रहे हो आप। लेकिन ये पार्टनर अभी भी जगल कर रहा है दो चीज़ों के बीच में, बिकॉज यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है गाइस, देख रहे हैं ना। तो ये पार्टनर, ये कार्ड एक्शन का कार्ड नहीं है, ये कार्ड है चाहता हूँ एक्शन लेना बट आगे बढ़ नहीं पा रहा है ये पार्टनर, राइट। रेडी है, ऑफर रेडी है इसके हाथ में, लेकिन आ नहीं रहा है आपके पास, कुछ चीज़ें इसे रोक रही हैं। तो इसको अपनी हीलिंग करने दो, इसको छोड़ दो अकेला, राइट, इसको समझने दो अपनी अपनी खुद की फीलिंग्स आपके लिए। तो जब ये इस ट्रांजिशन में आ जाएगा तो डेफिनेटली ये पार्टनर आपसे आके कांटेक्ट करेंगे, आपसे बात करेंगे, आपसे मिलने भी आ सकते हैं, राइट। और यहाँ पे कार्ड आया है गार्डन और रेनबो रिवाइवर, तो डेफिनेटली नई शुरुआत हो रही है, नई शुरुआत इन द सेंस की एक अपॉर्चुनिटी आ रही है आपकी लाइफ में, कुछ करियर वाइज ग्रोथ दिख रही है मुझे, एंड आपकी हेल्थ वाइज भी बहुत इंप्रूवमेंट हो रहा है। आपके लिए एडवाइस है कि आप ना थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो नेचर में, गार्डन में, थोड़ा सा अपना मेडिटेशन करो, थोड़ा सा अपना घूमो फिरो, अपनी हीलिंग करो, राइट। और क्योंकि आप एम्प्रेस हो, आप अपने सही जा रहे हो, आप जो कर रहे हो लाइफ में आप सही कर रहे हो, राइट। तो आप अपनी ग्रोथ पे ध्यान दो और इसको अपनी ग्रोथ पे ध्यान देने दो, आप इसके पीछे मत भागो, ये आपके लिए एडवाइस है। चलिए देखते हैं और क्या है आपके लिए इस मंथ।
वी आर वेटिंग गेम. एग्जैक्टली कार्ड भी आ गया, वेटिंग गेम. यहाँ पे वेटिंग गेम चल रहा है, चीज़ें स्टक है गाइस, हैंगमैन कार्ड है. थोड़े टाइम और स्टक रहेंगी आपके लिए क्योंकि वेटिंग गेम चल रहा है, पार्टनर आपको वेट करवा रहा है. क्योंकि ये पार्टनर ना अपनी स्ट्रेंथ में आना चाहता है, जब तक ये खुद इसमें गट्स ना आ जाए ना आपके लिए एक्शन लेने के, तब तक ये आपके लिए एक्शन कैसे लेगा. ये तो जगल कर रहा है इन दो एनर्जीज में, तो उसको हील होने दो और आप अपना अपना काम करो आप. एंड देन वी हैव पावर. तो इस मंथ ना आपकी एनर्जी 10 times बढ़ने वाली है. आप जो भी काम करोगे ना इस मंथ, बहुत दिल से, बहुत पावर से करने वाले हो, राइट. और आपकी इस मंथ आपके जो आप हायर लेवल ऑफ वाइब्रेशन पे आप रहने वाले हो, राइट. एंड करियर वाइज भी आप बहुत इस मंथ ना हार्डवर्क करने वाले हो, अपने आप को एक नई अपॉर्चुनिटी के लिए रेडी करने के लिए. बट यहाँ पे वेटिंग गेम है. वेटिंग गेम चाहे आपके किसी भी एरिया में हो, चाहे करियर में हो, चाहे लव में हो, थोड़ा सा वेट करो. एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आप तक बस पहुँचने ही वाली है. तब तक आप अपने जो आपको अपना काम करना है आप वो रेडी रखो. चलिए और देखते हैं और क्या है इस मंथ आपके लिए. मार्च में वी हैव अवेयरनेस. ये कार्ड है गाइस मैनिफेस्टेशन का, ये कार्ड है मैजिशियन का. तो अवेयरनेस आ रही है आपके पार्टनर में, राइट. उसको टाइम दो या फिर आप काफ़ी अवेयर बन रहे हो. अब ना आप फालतू चीज़ों पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हो कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, क्या सोच रही है. नो, आप अपने आप में खुश हो. आप जानते हो कि अगर वो पार्टनर आपके लिए है तो वो आपके पास आएगा. तो आप उसको बस सिंपली मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप उसके पीछे भाग नहीं रहे हो. तो ये अवेयरनेस आपके अंदर आ रही है इस मंथ. या फिर कुछ नई स्किल्स सीख रहे हो आप इस मंथ, ऐसा भी हो सकता है. अपने स्किल्स को आप डेवलप कर रहे हो इस मंथ विद मैजिशियन कार्ड. कुछ नया सीख रहे हो, अपने आप का डेवलपमेंट कर रहे हो. एंड देन वी हैव न्यू बिगनिंग्स. तो जब आप खुश रहोगे, आप हैप्पी रहोगे, आप अपने आप पे ध्यान दोगे, तो आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स होने से कौन रोक सकता है. फिर तो न्यू बिगनिंग होगी आपकी लाइफ में. क्योंकि अगर आप अपने एम्प्रेस एनर्जी में रहोगे तो आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग डेफिनेटली होगी. आप नई शुरुआत कर रहे हो हर तरह से. आपका वेटिंग गेम जो चल रहा है ना, आपका जो पेशेंस आपने रख रखा है इतने टाइम से, उसका रिजल्ट आपको गॉड देंगे इस मंथ विद दिस न्यू बिगनिंग. एक नई शुरुआत हो रही है, कोई एक्शन ले रहा है आपके लिए. रिश्ते में नई शुरुआत हो रही है, कुछ नया हो रहा है. करियर वाइज कुछ नया हो रहा है. हेल्थ वाइज एक अलग ही आपकी पर्सनालिटी बाहर निकल के आ रही है. इस तरह की आपका रहेगा इस मंथ. तो पेशेंस लेवल आपको रखना पड़ेगा थोड़ा इस मंथ. अपनी एनर्जी को डाउन नहीं होने देना है, चाहे कुछ भी हो जाए. चलिए अब देखते हैं कि गॉड आपको क्या एडवाइस दे रहे हैं. उसके बाद हम आपके लिए दूसरे कार्ड्स निकालेंगे. गॉड आपको क्या कहना चाहते हैं फॉर द मंथ ऑफ मार्च. तो पहला कार्ड आया है यहाँ पे, केयर एंड कंपैशन. चूज टू बी लव, डू व्हाट इज राइट फॉर एवरीवन इन्वॉल्व्ड, ऑफर अ हेल्पिंग हैंड. तो ये कार्ड है यिन का कार्ड है, डिवाइन फेमिनिन. तीन कार्ड आए हैं हमारे पास इस मंथ. फेमिनिन एनर्जी जो है ना वो बहुत एक रूल करने वाली है. और इस ये जो महीना है ना ये आपका है गाइस, जिनमें भी ये एनर्जी ज़्यादा है ना, तो आपको केयरिंग और कंपैशनेट बनना है. आपको कोई आपसे माफ़ी मांग रहा है तो आपको उसको माफ़ करना है, राइट. आपको बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होना है और आपको सबकी हेल्प करनी है. इस तरह की आपको एनर्जी रखनी है. अगर आपका पार्टनर आपसे हेल्प लेने भी आ रहा है, राइट, तो आप उसकी हेल्प करिए. और आई थिंक आपने उसको बहुत बार फॉरगिव करा भी है, तो इस बार भी फॉरगिव कर दीजिए. और जो हुआ पास में वो हुआ. और आपके लिए इस मंथ में अपने रिलेशनशिप बहुत मैटर करने वाले हैं. होप, लव एंड एक्सेप्टेंस. लव इज़ योर्स, रिकॉग्नाइज योर डिवाइन वर्थ, चूज लविंग थॉट्स. तो लव जो है ना वो आपका है. आपको अपनी डिवाइन वर्थ को पहचानना है इस मंथ. और अपने थॉट्स जो है ना वो लविंग रखिए, अपने थॉट्स पॉजिटिव रखिए, बिल्कुल बहुत ग्लोइंग पॉजिटिव रेडियंट थॉट्स रखिए. दोनों बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं. होप, लव, एक्सेप्टेंस, केयर एंड कंपैशन. एंड वेन वी हैव सुप्रीम प्रोटेक्शन, यू आर प्रोटेक्टेड बाई एंजल्स. कॉर्ड्स आर बींग कट, मूव बियॉन्ड लिमिटेशंस. तो आप एंजल्स जो है ना वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपको, आपकी विशेज जो है वो पूरी कर रहे हैं. कर्मा रिलीजिंग, मूव बियॉन्ड ड्रामा, क्रिएट योर ओन पाथ, मेक रूम फॉर गुड एनर्जी.
तो जो मैंने कहा था कि जो भी नेगेटिव है, उसने ऐसा करा, उसने ऐसा करा, उस सब से बाहर निकलिए, अपने कर्मा को पॉजिटिव करिए और अपना खुद का पाथ बनाइए, अपने खुद का स्टैंड लीजिए, और एक अच्छी एनर्जी के लिए, अच्छे रिलेशनशिप के लिए, अच्छी वाइफ के लिए, जो है अच्छे वाइब्रेशन एनर्जी के लिए अपना एक रूम बनाइए, और जो भी नेगेटिविटी है ना उसको अपने आप से दूर रखिए इस मंथ, क्योंकि आपको अपनी हीलिंग करनी है। खुद की हीलिंग करोगे तो सामने वाला अपने आप हील होगा, चीज़ें जो हैं वो अपने आप हील होगी। और अगर आपने किसी को हर्ट किया है तो जस्ट से सॉरी, और अपना कर्मा जो है ना वो खराब मत करिए, ये एडवाइस है आपके लिए। चलिए और देखते हैं इस मंथ क्या होने वाला है आपके साथ। सो वी हैव पहला कार्ड है यहाँ पे, यू आर ऑन द राइट पाथ रिगार्डिंग सम एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। तो आप अगर सोच रहे हैं कि मैं सही रास्ते पे हूँ या नहीं, तो आप बिल्कुल सही रास्ते पे हो, जो कर रहे हो ना आप बिल्कुल सही कर रहे हो। समथिंग इम्पॉर्टेंट सच एज न्यू जॉब और अ रेज, तो कोई न्यू जॉब आ रही है आपके लिए, कुछ नया करियर पाथ खुल रहा है आपके लिए, या रेज मिल रहा है सैलरी में। वी हैव वेकेशन फिजिकली और मेंटली, तो आप वेकेशन ले रहे हो, चाहे आप कहीं घूमने जा रहे हो, चाहे आप एक मेंटल वेकेशन ले रहे हो, अपने नेगेटिव थॉट्स से वेकेशन ले रहे हो। वी हैव टाइम टू गेट आउट ऑफ अ सिचुएशन, तो अगर कोई चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं, कहीं से आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो वहाँ से बाहर निकलिए, क्योंकि अपने आप को नेगेटिविटी में मत डालिए। वी हैव फेदर, समवन यू नो इज अनडिपेंडेबल एंड इनसिंसियर। मैंने कहा था ये जो पर्सन है ना, कभी तो बनता है डिवाइन मैस्कुलिन, कभी बनता है डिसऑर्डर मैस्कुलिन, तो ये पर्सन ना खुद ही अभी कंफ्यूज है अपनी एनर्जी में कि इसको चाहिए क्या अपनी लाइफ में, इसको चाहिए क्या इस रिलेशनशिप में। तो अभी आप इस पार्टनर पर डिपेंड नहीं कर सकते हो, राइट? तो अभी बिल्कुल इस पर ट्रस्ट करना वो भी सही नहीं है, तो ये अपनी हीलिंग ना कर ले। वी आर क्लाइंबिंग टूवर्ड सक्सेस, तो सक्सेस मिल रही है करियर वाइज, चाहे रिलेशनशिप वाइज, सब सही हो जाएगा। डूइंग समथिंग रिस्की, गिविंग अ चांस, तो कुछ रिस्की कर रहे हो आप, मे बी आप नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, या फिर कुछ एक अपॉर्चुनिटी ले रहे हो। वैली डीप पर्सनल स्ट्रेंथ एंड पीस डेट अश्योर सक्सेस, तो आपको अपना पीस बनाना है, आपको अपनी पर्सनल स्ट्रेंथ रखनी है, उसके बाद ही आपको सक्सेस मिलेगी अपने रिलेशनशिप, और ये पर्सन खुद आके आपसे माफ़ी मांगेगा। ग्रेट पैशन, तो मे बी ये पर्सन आपके लिए जो है पैशनेट फील करता है, बट जस्ट एक्सप्रेस नहीं कर रहा है ये। प्रॉब्लम्स टू बी रिजॉल्व, तो प्रॉब्लम्स जो हैं, जो भी हैं आपकी, वो इस मंथ रिजॉल्व हो सकती हैं, काफ़ी हाई चांस है। स्ट्रॉन्ग इमोशन, पैशनेट लव और हेट, तो आपके इमोशंस इस मंथ काफ़ी स्ट्रांग रह सकते हैं। कभी तो आपको इस पार्टनर पे प्यार आएगा, कभी आपको इस पार्टनर पे गुस्सा आएगा, तो अपने इमोशंस पे जो है इस मंथ कंट्रोल रखिए। ग्रेट फॉर्चून, गुड लक, तो इस मंथ ना आपका जो लक है वो आपका साइड लेगा, और आपको कुछ अच्छा इस मंथ मिल सकता है। समवन विल गॉसिप अबाउट ऑल योर सीक्रेट्स, तो आप जिससे भी शेयर कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स, अपनी लाइफ, थोड़ा सा संभाल के करिए, बिकॉज कोई ना कोई ऐसा है जो आपके सीक्रेट्स जो है शेयर कर सकता है किसी और से। चलिए देखते हैं और क्या है इस मंथ आपके लिए, हम और एडवाइस निकाल लेते हैं लास्ट मार्च के महीने के लिए। तो पहला है हमारे पास पावर सिंबल, टू क्रिएट लकी सेरेंडिपस इवेंट्स, तो आपके अंदर उतनी पावर है कि आप अपनी लाइफ को खुद से हैंडल कर सकते हैं, और कुछ अनएक्सपेक्टेड इस मंथ आपकी लाइफ में मुझे होता हुआ दिख रहा है। वी हैव द एलिमेंट ऑफ फायर, हेरल्ड्स न्यू लाइफ, रिन्यूड पैशन एंड पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन, तो इस मंथ अपने आप में चेंज ला रहे हो आप, रिन्यूअल कर रहे हो, और एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपकी लाइफ में जो कि बहुत ज़रूरी है। रिश्ते में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपके, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, जनरली आपकी लाइफ इस मंथ काफ़ी हद तक ट्रांसफॉर्म होती हुई दिख रही है मुझे। ओके गाइस, सो दिस इज योर रीडिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू।